अस्सलामुअलैकुम सीएसटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैंतालीसवें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एसटीपी में जेर तरबियत एएसपीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद से आए वक्त में 3 खवातीन एएसपीज समेत 18 जेर तरबियत अफसरान शामिल थे। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस साहबजादा शहजादा सुल्तान ने वफ्त को पंजाब पुलिस की वर्किंग और ऑपरेशनल तरीकाकार बारे ब्रीफिंग दी। वफ्त के शुरका को पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और पंजाब पुलिस के जदीद प्रोजेक्ट्स बारे दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। आईजी पंजाब ने जेर तरबियत अफसरान से खिताब के बाद उनके सवाल के जवाब भी दिए। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना है कि करियर के आगाज में मुश्किल पोस्टिंग को चैलेंज समझ कर कबूल करें ताकि आप मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कर सकें। अच्छे टीम लीडर के तौर पर मतहत स्टाफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मखलूक खुदा की हर मुमकिन खिदमत पर तवज्जो दें। मुआशरे से जराइम के खात्मे और अच्छी पुलिसिंग के लिए शहरियों को नौजवान अफसरान से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ज़ेरे तरबियत अफसरान ने 8787 IGP कंप्लेंट सेंटर, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम समेत दीगर शोबों का दौरा भी किया। वफ्द के शुरका ने पुलिस फोर्स को दरपेश चैलेंजेस, दस्तयाब वसाइल और परफॉर्मेंस में बेहतरी के मुतालिक सवालात पूछे। दौरे के अख्ताम पर आईजी पंजाब इनाम गनी और वफ्द के सरबराह के मबैन एजाजी सोवेनियर्स का तबादला भी किया गया। आईजी पंजाब का अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में 6 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती के वाक्य का नोटिस। आरपीओ डीजी खान से वाक्य की रिपोर्ट तलब। मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर शहर भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए खसूसी इकदामात। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट और एलीट फोर्स के शहर की अहम शहराओं पर फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च की क्यादत एसपी डॉल्फिन की हिदायत पर डीएसपी हेडक्वार्टर्स डॉल्फिन ने की। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की फिजा और शहरियों में एहसास से तहफ्फुज़ को उजागर करना है। शहरियों के जानो माल और कौमी इमला की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने अंधे कत्ल के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। शालीमार में इमाम मस्जिद के कत्ल में मुलविस उसकी बीवी का आशना गिरफ्तार। ग्रीन टाउन पुलिस ने सगे भाई को कत्ल करवाने वाले भाई और शूटर को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाब टाउन ने मकतूला लड़की मरियम को टीचिंग हस्पताल की इमरजेंसी में छोड़कर भागने वाले दोनों मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन रावी रोड लाहौर ने चोरी की वारदातों में मुलविस पेशावर गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से नकदी और 4 मोबाइल फोन भी बरामद। मुलजमान के खिलाफ रावी रोड समेत लाहौर के मुख्तलिफ थानों में चोरी के मुतादिद मुकदमात भी ट्रेस हुए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान ने मुलजमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस गालिब मार्केट की कार्रवाई। नौसरबाजी की वारदातों में मुलविस गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 4 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद करके असल मालिकान के सुपुर्द कर दी गई। मुलजमान के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में नौसरबाजी के मुतादिद मुकदमा ट्रेस। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालिब मार्केट ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। इछरा पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर और डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल्स, असलहा बरामद, मुतादिद वारदातों का इतराफ। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की SHO इछरा और उनकी टीम को शाबाश। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psea.tv।